दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने ट्रेन नंबर 12618 हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस में इटारसी से रत्नागिरी तक के मेरी कोंकण स्पेशल वीडियो सीरीज देखी थी। तो दोस्तों उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग रत्नागिरी से मडगांव तक की अपनी आज की जर्नी वीडियो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों करीब अपने निर्धारित समय से 2 घंटे के डिले के साथ हमारी ट्रेन रत्नागिरी स्टेशन पे पहुंच चुकी है। और रत्नागिरी का जो स्टेशन बिल्डिंग है दोस्तों वो ऊपर वाला है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टॉप में है। और जो प्लेटफॉर्म है आप देखिए कितने ज़्यादा नीचे बनाया गया है, अलग से सीढ़ी बनाई गई है। अगर आप प्लेटफॉर्म में आपको मेन बिल्डिंग से आपको प्लेटफॉर्म में एंटर करना रहेगा। तो और दोस्तों कोंकण रेलवेज में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेशन आप कह सकते हैं रत्नागिरी को। और यहाँ पे खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टेशनों में भी जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी वहाँ पे खाने पीने की ठीक ठाक व्यवस्था थी। अच्छा मैंने देखा है यहाँ पे जो छतें रहती हैं वो लेंटर नहीं डाला जाता है, यहाँ पे कबीलू से छत बनाई जाती है। मेरे ख्याल से पानी बहुत ज़्यादा यहाँ गिरता है तो लीकेज की दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा किया जाता है। और ये है दोस्तों रत्नागिरी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और फूड वेंडर्स की दोस्तों पूरी आवाज़ गूंज रही है प्लेटफॉर्म में। और ये है दोस्तों हमारा जनरल कोच, हालांकि इटारसी में तो काफ़ी ज़्यादा पैक था, अब यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। और दोस्तों रत्नागिरी में हमारी क्रॉसिंग हो रही है मांडवी एक्सप्रेस से, जिसे मोस्ट फूडी ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा डिपार्चर हो चुका है रत्नागिरी से। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों हमारा रन कैसा रहता है रत्नागिरी से मडगांव के बीच, क्योंकि पनवेल से रत्नागिरी के बीच दोस्तों ट्रेन बहुत ज़्यादा रुकते हुए आई है, क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है। एंड मेरे ख्याल से चिपलून तक के तो दोस्तों ऐसा रहा कि हर स्टेशन में ट्रेन रुकी रही। चिपलून के बाद थोड़ा सा ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, कुछ स्टेशन स्किप्स करे। और दोस्तों अब हम लोग जो रत्नागिरी शहर है उससे धीरे धीरे गुजर रहे हैं। बाकी दोस्तों पनवेल के बाद से दोस्तों ये सेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। इनफैक्ट मैं टोर पे खड़े होके मतलब देख रहा था, और यानी बीच में ऐसा कहीं मौका नहीं आया कि मुझे लगा कि यहाँ जाके मैं थोड़ा सीट में जाके बैठ जाऊँ। लगातार कुछ ना कुछ नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे आ रहे थे और काफ़ी खूबसूरत लगा दोस्तों ये सेक्शन। और अभी मैं जस्ट रत्नागिरी तक के दोस्तों ये सेक्शन अभी देखा हूँ, अभी आगे की जर्नी और बाकी है। Thank you.
निफ्ट सर। जंगल आ गए हैं, बहुत घने जंगल है। बहुत देर से दोस्तों ट्रेन रुकी है और एकदम मतलब कहा जाए एकदम जंगलों के बीच ट्रेन रोक दी गई है। दोस्तों हमारी ट्रेन इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि कोई शख्स आ गया था ट्रेन के सामने सुसाइड करने, बट हमारी जो ट्रेन की स्पीड थी वो काफ़ी धीमे थी इसलिए ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक को अप्लाई कर दिया गया था। और अच्छी बात ये दोस्तों कि उस शख्स की जान को बचा लिया गया है। अड्डा बली और यहाँ पे दोस्तों हमारी किसी ट्रेन से भी क्रॉसिंग हो रही है। ये है मडगांव चंडीगढ़, अच्छा गोवा संपर्क क्रांति से दोस्तों हमारी क्रॉसिंग हो रही है। और जब हमने मेरे ख्याल से कोंकण रेलवे में जैसे ही एंटर किया था तो हमारी क्रॉसिंग हुई थी केरला संपर्क क्रांति से। और यहाँ पे दोस्तों जिस शख्स की जान बचाई गई थी उसे रिबूट किया गया है। तो सो ये है वो शख्स जो बैठे हैं, उन्हीं की जान बचाई गई है। दोस्तों अभी हमारी क्रॉसिंग हो रही है कोयम्बटूर जबलपुर स्पेशल से, जो कि एक तरीके से बोला जा सकता है मेरे घर की गाड़ी है। और हमारे कोच की दोस्तों कुछ ये स्थिति है और ये हैं दोस्तों मेरे को पैसेंजर। काफ़ी अच्छा टाइम इनके साथ गुजरा हम लोगों का। और जो भीड़ है दोस्तों वो ठीक ठाक है, मतलब देख ही सकते हैं आप स्लीपर के हिसाब से तो एकदम नॉर्मल भीड़ कहा जा सकता है। और यहाँ पे किसी
ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है किसी स्टेशन में। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि शायद ट्रेन 75 kmph के ऊपर चल रही है, बट ट्रेन लगभग 65 से 70 के बीच में ही क्रूज कर रही है। मानसून में दोस्तों इस सेक्शन का जो MPS रहता है वो कम कर दिया जाता है फॉर दी सेफ्टी रीजंस। तो बाकी मज़ा आ रहा है चेन्नई में। वैभव वाड़ी रोड, और दोस्तों यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है मडगांव मुंबई CSMT जनशताब्दी एक्सप्रेस से। और दोस्तों ट्रेन का रेक शेयर होता है डेक्कन क्वीन
एक्सप्रेस से जो कि पुणे से मुंबई तक की चलती है। वो देखिए दोस्तों एक लिवरी भी गई है डेक्कन क्वीन की, जो कि काफ़ी फेमस ट्रेन है पुणे से मुंबई के बीच। और इसी के साथ हमारा थ्रू पास हो चुका है वैभववाड़ी रोड स्टेशन से। मानसून के सीज़न में दोस्तों ये सेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, पूरी ऐसी सैनरिक व्यू मिलेगा आपको। पूरा पनवेल से लेके अभी तक के मडगांव आने वाला है, बहुत खूबसूरत सेक्शन है, लिटरली बहुत खूबसूरत सेक्शन है। और एक बार फिर से दोस्तों एक ज़ोरदार बारिश की शुरुआत हो चुकी है। रोड लगता है अभी बनी है। करीब 4:20 पे हमारी ट्रेन कणकावली स्टेशन में अराइवल ले रही है, और ये दोस्तों लास्ट हॉल्टिंग स्टेशन है महाराष्ट्र स्टेट का। इसके बाद से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट स्टेशन होगा वो गोवा में आएगा। बाकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, मेरे ख्याल से 1:20 या 1:30 पे यहाँ पहुँचाने का टाइम था, और अभी करीब 4:30 रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सारे आउटलेट्स अवेलेबल हैं खाने पीने के, तो खाने पीने की आपको इस स्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी देर से हम लोग ट्रेन के अंदर है, तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं ट्रेन जब हॉट लेती है। और चलिए चलते हैं नीचे। तो इसी के साथ हमारा कणकावली, हाँ मेरे को भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है, एक्चुअली नाम है क्या। हाँ कहाँ है, कहाँ नदिया, अरे ये वाली नदी। गढ़ नदी
सिंधुदुर्ग। करीब 3 घंटे के डिले के साथ दोस्तों हमारी ट्रेन थीविम स्टेशन में अराइवल ले रही है और बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। और अब हम लोग दोस्तों जो गोवा स्टेट है उसमें एंटर कर चुके हैं। भारी बारिश के साथ दोस्तों हम लोग जा रहे हैं एक बार फिर से अपना लोकोमोटिव देखने। डिपार्टिंग फ्रॉम थीविम और दोस्तों यहाँ से मेरे ख्याल से मुश्किल से 40 से 50 किलोमीटर दूर होगा मटगांव। तो अब मेरे ख्याल से 1 घंटे से कम समय लगना चाहिए अगर ट्रेन नॉन स्टॉप चलती है तो। बाकी ये अच्छी बात है कि जो मैं चाह रहा था कि मैं पूरा इस सेक्शन को डे लाइट में कवर करूं तो पूरा मतलब मडगांव तक के तो दोस्तों हमें डे लाइट मिल जाएगा, इतना तो टाइम अभी बचा है।
और अब दोस्तों थोड़ी बारिश की जो रफ़्तार है वो धीमी हो चुकी है। नहीं तो जब स्टेशन में एंटर किए थे हम लोग तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और ऐसा लग रहा है दोस्तों गोवा में लिटरली बाढ़ आई हुई है, दूर दूर तक के पानी पानी सिर्फ दिख रहा है और अभी भी मौसम बिल्कुल ऐसा बना हुआ है पानी वाला। मांडोवी रिवर दोस्तों अब हम लोग करमाली स्टेशन से स्किप ले रहे हैं और प्लेटफॉर्म से ही लगा हुआ है दोस्तों एक बहुत बड़ी सी लेक और दोस्तों साथ ही साथ जो हमारी कॉर्लिम लेक है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी लेक है ये और काफ़ी फेमस है। और मेरे ख्याल से इसके पास ही में दोस्तों कॉर्लिम बर्ड सेंचुरी भी बनी है, मुझे एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है बट ये कॉलिप लेक है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। कुछ देर पहले आपने गोवा की चाय सुना होगा तो ये दोस्तों मैंने लिया है, ले ली है गोवा की चाय, काफ़ी सही लगी मुझे। ज़ुआरी रिवर कभी भी आ सकती है दोस्तों, तो मैंने खड़े ही जो चाय अपनी फिनिश कर ली है और इंतज़ार कर रहे हैं
ज्वारी रिवर का, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत केबल स्ट्रेपेज बना है ज्वारी रिवर पे, तो वो तो बिल्कुल मस्त है कैप्चर करना। अब दोस्तों हम लोग फाइनली क्रॉस कर रहे हैं ज्वारी रिवर को, और ये दोस्तों काफ़ी फेमस ब्रिज है। ये ब्रिज मतलब आ जाता है तो मतलब आप समझ लीजिए कि मक्खा आने वाला है। गोवा में कुछ आपको दोस्तों इस पैटर्न के घर मिल जाएंगे। मैं जहाँ से आता हूँ मतलब कि मध्य प्रदेश, वहाँ पे थोड़े से जो घर रहते हैं वो अलग रहते हैं। यहाँ के मेरे ख्याल से क्लाइमेट को देख के ऐसे घर डिज़ाइन किए जाते हैं। Thank you.
वरना ठंडा उतर है, मतलब कि हम लोग मडगांव के बिल्कुल पास आ चुके हैं और ये है दोस्तों वरना की स्टेशन बिल्डिंग। तो एक अनशेड्यूल हॉल्ट हो गया दोस्तों हमारा वरना में और किसी ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो मडगांव से मुंबई के बीच चलने वाली कोंकण कन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग हो सकती है। हाँ वही ट्रेन है, इसका दोस्तों टाइम है मेरे ख्याल से 6 बजे का डिपार्चर है मडगांव से। काफ़ी अच्छी ट्रेन मानी जाती है, एक ओवरनाइट टाइप की ट्रेन है ये जो कि मडगांव से मुंबई के बीच चलती है। और दोस्तों हमारा अब डिपार्चर हो चुका है वरना स्टेशन से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग वास्को डिगामा वाली लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। कोलम वास्को डिगामा पैसेंजर तो अपने करीब निर्धारित समय से दोस्तों 3 घंटे डिले के साथ हमारी ट्रेन फाइनली मडगांव जंक्शन में अराइवल ले रही है। एंड अभी हम लोग ने मडगांव में एंटर किए हैं और मडगांव में दोस्तों एक ज़ोरदार बारिश ने हमारा स्वागत किया है और कोंकण रेलवे
होने के कारण दोस्तों थोड़ा सा स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी अलग रहती हैं और थोड़ी व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। जैसे ये मेरे ख्याल से कपड़े है, कपड़े की शॉप है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं एक रेलवे स्टेशन में कपड़े की शॉप। और वो एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है, यहाँ पे रिटायरिंग रूम भी दिख रहा है मुझे। और ये दोस्तों डिबोर्ड हो चुका हूँ मैं अपनी ट्रेन से, और ये वही ट्रेन है दोस्तों जिसने मुझे इटारसी से मडगांव गोवा लेके आई है। और जो हमारी कल की जो जर्नी है दोस्तों वो मडगांव से एर्नाकुलम के बीच होगी, वो भी दोस्तों किसी दूसरी ट्रेन में, वो आपको कल पता चलेगा, मतलब मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो। बाकी दोस्तों जो हमारी मंगला लक्षद्वीप में जर्नी थी वो मडगांव ही तक की थी। बाकी दोस्तों जो हमारी रिमेनिंग जर्नी है वो हम कल करेंगे किसी नई ट्रेन में। बात ही कर रहा था दोस्तों और ट्रेन ने अपना डिपार्चर विसल दे दिया। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस से वो डिपार्चर ले रही है मडगांव जंक्शन से, और असिस्टेंट लोको पायलट सर भी स्माइल करके गेस्चर दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब रेलवे स्टाफ के लोग ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इटारसी से मडगांव तक की ये जर्नी वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।